स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको भक्ति के पद में एक रसखान कवि का लिखा हुआ प्रेमयिनी श्री राधिका। प्रेमयिनी श्री राधिका रसखान का एक उच्च कोटि की रचना है। तो रचना पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कवि के विषय में जान लेते हैं कि रसखान कौन है। तो रसखान के जीवन के संबंध में सिर्फ ना भी किसी लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है कि रसखान का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। परंतु उनके ग्रंथ जो है प्रेम वाटिका, उनका जो ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, में यह संकेत मिलता है कि वे दिल्ली के पठान राजवंश में जन्मे हुए थे। यानी कि अगर क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव्स में कि रसखान का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा दिल्ली के पठान राजवंश उनका हो गया और जन्म स्थान हो गया आपका दिल्ली। लगभग 1610 ईस्वी में, कब हुआ था, 1610 ईस्वी में रसखान का जन्म हुआ था। और इनकी रचना काल जो है कि जहांगीर के काल था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कभी कभी कि रसखान किस शासक के समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। ये देखिएगा रसखान किनके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ, मतलब पहले पठानों का था, उसके बाद मुगल वंश आया, ठीक है। तो मुगल वंश जब आया तो ये लोग जो पठान वाले थे वो वहाँ छोड़कर चले गए और आकर के जो है कि अपने उत्तर प्रदेश में ब्रजभूमि में बस गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ऐसा माना जाता है कि पहले वह किसी के प्रेमी थे तो बाद में वह रसिक कवि हो गए। तब दिल्ली से वह ब्रजभूमि आकर बस गए। गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें पुष्टि मान कर दिया था, यानी इनके गुरु का नाम था गोस्वामी तुलसीदास। इनके दो पद हमें रचनाएं आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रेमयिनी श्री राधिका और करेल के कुंजन ऊपर वारो। तो प्रेमयिनी श्री राधिका में भगवान रसखान ने अपना और अपना किस तरह का अवस्था हो जाता है श्री कृष्ण के भक्ति के बाद, ठीक है। फिर समझ लीजिए एक बार और कि श्री कृष्ण से उस समय के कवियों ने, भक्ति काले कवियों ने श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को कई तरह से बताया है। और स्पेशल रसखान जो है, रसखान वह उनके बाल रूप से प्रभावित है और इनकी रचनाएं जो भी हुई है वह ज्यादातर बाल काल से ही हुई है। तो क्या कहते हैं वह जानते हैं कविता के माध्यम से थोड़ा सा कि प्रेमयिनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद। प्रेम का जो आईना है, मतलब प्रेम ओरिजिनल में होता कैसा है, जैसे कि आपको आईना में, मतलब दर्पण में आपका हूबहू चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही प्रेम का त्याग किस तरह से होता है, प्रेम किस तरह से किया जाता है, इसका अगर एग्जांपल कोई है तो वह लैला मजनू नहीं है, वह हमारे राधिका है। प्रेम वरण नंद नंद, और प्रेम का जो आकार होता है, जो रंग है, वह हमारे नंद नंद है। नंद नंद का मतलब यहाँ पर है नंद के नंद, मीन्स नंदलाल के नंद, यानी कि नंदलाल जिनके जो वहाँ के मुखिया थे सो, और उनके पुत्र हो गए श्री कृष्ण। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन है। क्वेश्चन पूछेगा आपके कि प्रेम वाटिका के मालिन माने किसे कहा गया है, तो वह कहा जाता है श्री कृष्ण को, क्योंकि धरती पर उनके जन्म से पहले ऐसा माना जाता है कि प्रेम नाम का शब्द नहीं था, ठीक है। उनके बाद ही जो है कि प्रेम नाम के शब्द आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेम जिस तरह से माली बगीचा को सींच करके फूल युग्ने युग बनाता है, फूल के बीच डालता है और उसको सींच करके बड़ा करता है तब फूल उगता है, उस तरह से श्री कृष्ण ने इस धरती पर आकर के और राधा के साथ जो प्रेम लीला किए थे, उस प्रेम लीला से ही प्रेम का शुरुआत हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा को जो है कि माली और मालिन कहा जाता है। मोहन छवि रसखानी लगी अब दीर्घ अपनो नाही, मोहन छवि रसखानी लगे अब दीर्घ अपनो नाही। जब मोहिनी छवि रसखान देख लेते हैं उनका, किनका, श्री कृष्ण का, तो लगता है कि इनका मन जो है कि इनके पास अब नहीं है। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहिं, जिस प्रकार धनुष से एक बार अगर बाण छूट जाता है, सर मतलब यहाँ वान होता है, तीर होता है, एक बार छूट गया तो वापस नहीं आ सकता है, वैसे ही एक बार अगर कृष्ण से मन लग जाता है दोबारा वो वापस नहीं आ सकता है। मोमन मालिक ले गए हो चित चोर नंद नंद, मेरे मन का जो मालिक होता है, जो मोती होता है, वह चुरा करके ले गए हमारे नंद नंद, तो ऐसा लगता है कि अब वापस नहीं मिलने वाला है।
अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब तो मैं बेमन हो गया, मीन्स मैं पागल हो गया, उनके फेर में पड़ के मैं पागल हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता है उनके भक्ति के अलावा, जो है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं यहाँ पर कि बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब कहा गया है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगी हो। मेरे प्रीतम जो है वह नंद किशोर है और उन्हीं से मेरा नैन लग गया हुआ है जो दोबारा वापस नहीं आ रहा है। मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सकियो। मेरे मन की जो पावनता है उसको चुरा करके ले गए चित चोर, मन को चुरा करके ले गए, चित को चुरा कर ले गए। श्री कृष्ण को चित चोर भी कहा गया है क्योंकि उनको लोग जो है कि जिससे वह मिलते थे उनके चित को वह चुरा देते थे, मन को चुरा देते थे, इसलिए उनको चित चोर कहा गया है। पलक ओटी नहीं कर सको, अब एक पल के लिए भी हमको पलक उनसे अलग करने की जरूरत, क्या कहते हैं कि मन नहीं कर सकता है। आगे हमारा है कि श्री कृष्ण के कुछ जो वस्तुएं थी उनको पाने और त्यागने के लिए कैल के कुंजन ऊपर बारह नाम से एक चार लाइन के पंक्ति लिखे हैं, उसको आप समझ लीजिए कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिमपुर के ताजी डारो। यदि मुझे उनके लकुटी और कमरिया, कमरिया मतलब यहाँ कंबल है, लकुटी मतलब लाठी है जो गाय चराने के समय वह यूज करते थे, वह अगर मिल जाए तो मैं तीनों पुर के राज ताज को त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। नंद के जो गाय था जिसको श्री कृष्ण भगवान चराया करते थे, अगर वह मुझे चराने के लिए मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा कि आठों सिद्धि और नौ निधि जो दुर्लभ भी किसी प्राणी को मिल पाता है वह भी नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ वह गाय चराने ही मिल जाए। इस तरह से प्रेम का जो मार्ग है इतना सरल मार्ग है और इस तरह से डूबना होता है कि इसमें प्रेमी को प्रेमिका के अलावा और प्रेमिका को प्रेमी के अलावा कुछ मिलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ जो प्रेम करते हैं हम जिससे वही चाहिए। रसखानी कबो इन अखियन सो, रसखान कहते हैं कि रसखानी कबो इन अखियन सो, कभी इस अखियन को ब्रज के वन बाग तराग निहारो। ब्रज के जो वन और बाग थे जहां पर श्री कृष्ण रासलीला किए हुए थे वह जगह निहारने के लिए मिल जाए। कोटिक रौ कलकौध के धाम कैल के ऊपर कुंजन बारो। तो इंद्रपुरी जैसे कोटि मतलब करोड़ों जो है कि मैं धाम को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ उनका अगर वह वनबाग हमको देखने के लिए मिल जाए, वह तराग हमको देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से हम कविता पढ़ रहे हैं। अभी प्रेमयनी सिराधिका को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, बढ़िया समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हिंदी का पूरा तैयारी आपको करा सकूं। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और सुनिए बढ़िया से, एकदम ध्यान सुनिए, बिल्कुल बाहरी मन को छोड़ दीजिए और सुनिए कविता। प्रेमयनी सिराधिका, प्रेमयनी सिराधिका, प्रेम वरण नंद, प्रेम वाटिका की दो माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खाने लगे अब दीर्घ अपनो नाही, अचे आवा धनुष से छूटे सर से जाही, मोह मन मालिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब मैं क्या करूं परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगे, मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सक्यो। रसखान कवि कहते हैं कि प्रेम का जो आईना है वह सिराधिका है और प्रेम का जो वर्ण है, जो रंग है, वह नंद नंद है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन है, श्री कृष्ण को माली और मालिन कहा गया है। मोहिनी छवि रसखाने लगी अब दीर्घ अपना नहीं, जब रसखान उनके मोहिनी छवि को देख लेते हैं तो लगता है कि इनका दीर्घ अपना नहीं है। अच्छे आवत सर से छूटे सर से जाई, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाई, जिस प्रकार एक बार धनुष से तीर छूट जाने के बाद दोबारा धनुष वापस नहीं आता है, उस तरह से दोबारा जो है कि इनका मन इनके पास वापस नहीं आ पा रहा है। मोह मन मालिक ले गए नंद चित चोर नंद नंद, मेरे मन के मालिक को चुरा करके ले गए हैं नंद नंद मतलब नंद के नंद। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब बेमन मैं, मेरा बेमन हो गया मतलब मैं पागल हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में दिन ते नैनी लगी हो, मेरे प्रीतम जो नंद किशोर है उनसे मेरा प्रेम हो गया, अब जो है कि उनके देखे बिना मेरे नैन नहीं जुराते हैं, नहीं लगते हैं। मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सके हो, मेरे मन की पावन जो है वह चुरा करके ले गए हैं चित चोर, मैं एक पल के लिए भी अपने पलक को अलग उनसे नहीं कर सकता हूँ।
तो इस तरह से हम आपको कविता करा दिए। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जिसको देखने के लिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कविता समझ में आपको आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर